हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपना स्वागत है आप सभी का। मैं आपका अपना शशिकांत चौरसिया आप सभी लोगों के सामने। आज कुछ थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ने वाले हम। अभी तक के जो इकोनॉमिक्स चैप्टर चला आ रहा था उसमें हमने अभी तक के बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, जानकारी इकट्ठी करके एक स्टेप बाय स्टेप चले हैं। तो अभी तक के एक और नया जो रूप इकोनॉमिक्स में भी दिखाता हूँ मैं मेरा, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक को कैसे कोरिलेट करके याद करते हैं, तो आज हम याद करने पे जोड़ देंगे। ये विभिन्न प्रकार की जो मैंने बताया थी कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के लिए अलग अलग क्रांति आई, अलग अलग क्रांति लेके आई गई अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, तो उसे कुछ विशेष नाम से जाना जाता है जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, मोस्टली बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में हम तैयार कर लेंगे। बहुत सारी क्रांतियां हैं तो हम पूरी की पूरी रेडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मेरा काम मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मोस्टली हम पूरी की पूरी याद कर लेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वीडियो यहां रोक दें और एक बार पूरी की पूरी पढ़ लें। अब उसके बाद मेरे साथ में जैसा जैसा बोल रहा हूं तो ध्यानपूर्वक कान में लगाएं ठेपी और स्टार्ट करते हैं हम गेम। ठीक, तो क्या होगा इससे देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ चुके भैया, हरित क्रांति आई तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, बच्चा बच्चा जानता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, कौन नहीं जानता। ठीक है, हरे हरे कृषि होती है, सफेद सफेद दूध होते ही है। ठीक है, तो ये तो कोई एकदम सिंपल ही वे में है। तो बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी चीज याद कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप लोग बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करेंगे तो बिल्कुल फिक्स है आपके माइंड में। आ जाओ भाई, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन, ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे मैं शब्द आगे नहीं जोड़ूंगा, उत्पादन से संबंधित उत्पादन, इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये क्रांति लेके आई गई थी। ठीक है, तो हमको नॉर्मली किस क्षेत्र से संबंधित है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मत्स्य क्रांति यहां लिखा हूं मैंने, संबंधित क्षेत्र ये क्रांति है, संबंधित क्षेत्र ये। तो ध्यानपूर्वक सुने बस, नीली मत्स्य से, ठीक, मछली से, तो मछली उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। आपने लड़कियों का नाम सुने होगा, एक नाम होगा नीलिमा, कौन सी मां, नीलिमा। ठीक है, तो वो नाम याद रख लो, एक तो क्रांति के बाबत में नीलिम इकट्ठा बोलोगे तो नीली के साथ मां को अटैच कर दो, तो नीलिम नीली मत्स्य से, किससे, मत्स्य से। ठीक है, याद करना है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, नीली मछली याद रख लो या कुछ याद रख लो, क्योंकि भी बहुत सी चीज याद आने वाली है। तो मैंने जो बताया हूं मेरा तो वही है, नीलिम मुझे तो उसी से कई दिनों से याद है, मैं काफी दिनों से वैसा के वैसा ही पढ़ रहा हूं और काफी जगह पे मैंने अटेंड भी करके आया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पीली क्रांति, पीली तुअर की दाल देखी हमने, क्या पीली रहती कि नहीं, तो मोस्टली रेगुलर हम क्या खाते हैं वही खाते हैं, तो पीली पीली दाल होती है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित, तिलहन से संबंधित। ठीक है, तो किससे संबंधित, तिलहन से संबंधित। ठीक, तो पीली क्रांति किससे संबंधित होगी भाई, अपनी तिलहन से संबंधित। आगे बढ़ो, यहां पर देखो इसको पीत क्रांति भी कहते हैं, कौन सी क्रांति कहते हैं, पीत क्रांति भी कहते हैं, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। ठीक, फिर लाल 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 टमाटर होते हैं क्या, लाल लाल टमाटर होते हैं, मांस देखे हुए होंगे आपने, कटा देखे होंगे, वो भी हल्का सा रेडिस। ठीक, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से और मांस से है, टमाटर से और मांस से है। ठीक, तो क्विकली पांच पड़े पांच का रिविजन, लाल टमाटर मांस, पीली तिलहन, नीली मत्स्य, श्वेत दुग्ध, हरित कृषि, पिक्चर क्लियर। ठीक है, एज इट इज उत्तर रोक के एक राउंड पढ़ ले, ठीक अभी पूरी याद हो जाएगी देख लेना। फिर कौन सी, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। ठीक है, किससे, पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है, किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद। अब आपने पेट्रोलियम उत्पादों को, पेट्रोलियम देखा होगा आपने तो कैसे रहता है वो काला काला, कैसा रहता है, काला काला। ठीक है, तो इसको हम कृष्ण क्रांति भी कहते हैं, काली क्रांति भी कहते हैं, मोस्टली कृष्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो पेट्रोलियम उत्पाद कैसे रहते, काले काले रहते, वैसा करके याद रख लो उसको। कृष्ण जी कैसे थे, काले काले, वो गाना भी सुने होंगे, कृष्ण काला रे गोकुल बाला रे, है ना। तो इनके मोस्टली जो नाम रखे गए हैं उन्हीं से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़े हम, उर्वरक, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है, भूरी क्रांति। ऐसा करो कि उर्वरक उठाओ हाथ में, क्या उठाए हमने, उर्वरक हाथ में उठाए। ठीक, तो उनको हाँ क्या समझ के चले हम, भुरभुरे होते हैं, कैसे होते हैं उर्वरक, भुरभुरे, है ना, भुरभुरे, कैसे होते हैं उर्वरक, भुरभुरे, भुरभुरे मतलब जो हाथ में उठाए फिसल जाए इस टाइप सा, कैसा होता है, भुरभुरा। तो उर्वरक कैसा याद रखो, भुरभुरा। पेट्रोलियम उत्पाद कैसे, काले। ठीक, अब आओ रजत, सिल्वर टाइप से, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा, रजत क्रांति अंडा। ठीक है, तो रजत अंडा, तो रजत अंडा, तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। अब उबला अंडा खोलना बीच में से काट के, तो कई बार देखे होगी उसमें एक अलग सी येलो यॉक जो होता है उसमें भी एक अलग सा
क्या कह सकते हैं, अपनी जो नस होती है उस टाइप का कुछ होता है। तो थोड़ा सा उसको देखोगे आप, एक बार करके देखना, ठीक है। इतना तो मैंने डिफाइन करके बता दिया हूँ कि यार इतना ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड किससे है, सिल्वर, ठीक। तो नसों का भी एक लाइट बिट लाइट कलर होता है, वो वाला कलर। तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, तो रजत अंडा, भूरा उर्वरक, भूरी उर्वरक, कृष्ण काले, तो कृष्ण पेट्रोलियम। पिक्चर क्लियर। अब यहां पे देखना नीचे आके, स्वर्णिम क्रांति, बागवानी, शहद व फल। तो यहां पर एक शब्द बोल दे, बागवानी के समस्त, बागवानी के समस्त उत्पादों से संबंधित मोस्टली। और क्या याद रखना है, स्वर्णिम शहद, शहद देखे हो गए सोने जैसा, ठीक। तो स्वर्णिम जो है बागवानी के समस्त उत्पाद, और शहद बागवानी फल के अंतर्गत ले लो इसको, सब्जी ले लो, ठीक है। तो स्वर्णिम में पूरी बागवानी समस्त उत्पाद और शहद, ये इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना, ठीक। स्वर्णिम शहद और बागवानी के समस्त उत्पाद, पिक्चर क्लियर। तो काली, पेट्रोलियम, भूरी उर्वरक, रजत अंडा, स्वर्णिम बागवानी के समस्त और शहद, ये ऐसा याद रखना। फिर देखो, स्वर्णिम रेशा, रजत रेशा, यहां पे मैंने रजत अकेली पढ़ाया है, यहां मैंने स्वर्णिम अकेली पढ़ाया। स्वर्णिम रेशा, रजत रेशा, तो स्वर्णिम रेशा जूट पटसन, जूट पटसन। तो वो आपने देखे होगे कि वो जो जूट की रस्सी आती है, जूट के बोरे बनते हैं ना, तो जो जूट के बोरे हैं कहीं रखे हैं, न्यू नए नए बोरे रहते हैं जो बनते हैं, उनको दूर से ऐसा देखना अलग ही सुनहरे दिखते हैं। तो वो सुनहरे और उसमें पास जाके देखोगे तो रेसे रेसे निकले रहते हैं, पिक्चर क्लियर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, स्वर्णिम रेसे, जो स्वर्णिम रेशा क्रांति है वो किससे संबंधित है, जूट, किससे, जूट, पटसन भी कहते हैं, ठीक है, तो जूट, ठीक है। रजत रेशा, रजत रेशा कपास, रजत रेशा कपास, जूट कपास, कपास जूट, स्वर्णिम तो सोना चांदी, स्वर्ण रजत, ठीक है। आलू गोल होता है पता ही है, देखे होगे तो आलू गोल होता है और टमाटर लाल होता है। अरे यहां पर टमाटर भी गोल होता है लेकिन टमाटर लाल भी तो होता है, हमको याद रखना है ना भाई, ठीक है। फिर रोको, पूरे की पूरे एक बार पढ़ो, ठीक। मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो वीडियो होगा लंबा, फिर मन ही मन में कुछ मेरे को बोलोगे इससे अच्छा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक। गुलाबी लाल वाली, टमाटर और मांस, गोल आलू। अब देखो गुलाबी प्याज, गुलाबी प्याज, ठीक है। झींगा और औषधि, प्याज झींगा औषधि, प्याज झींगा और औषधि। प्याज झींगा तो लगभग लगभग हल्का सा गुलाबी पन दिखता ही है, तो प्याज और झींगा तो सेट हो ही जाएगा, क्योंकि आलू गोल है, टमाटर लाल है, प्याज गुलाबी है, झींगा गुलाबी है, और औषधि को पकड़ के रखना पड़ेगा किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। तो झींगे को प्याज के साथ बनाओगे ना, और ज्यादा झींगा खाओगे तो फिर औषधि खाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है ना, नहीं तो तबीयत मस्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां क्या करना, हमको तबीयत गुलाबी रखना है, तो हमको क्या खाना पड़ेगा, औषधि खाना पड़ेगा। तबीयत गुलाबी कैसे होगी औषधि खाने से, ठीक है। अभी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कर दिया, ताकि यार मास्टर बोल रहा था वहां पे, भाई वो सर बोल रहे थे वहां पे कि यार ऐसा ऐसा है, तो शायद माइंड में बैठ जाए आपके, बिल्कुल बैठ गई होगी। हाँ, तो प्याज झींगा औषधि गुलाबी, ठीक है। हमको तो लगा था गुलाबी आया तो कुछ और आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, बादामी क्रांति, ठीक। बादामी क्रांति का संबंध किससे, मसाला उत्पादन से संबंधित है। जितने भी मसाले होते हैं ना घर में, ठीक है, अभी वीडियो के बाद क्या करना, देखने के बाद जाना, पूरे मसाले एक एक चम्मच लेना, क्या करना, पूरे मसाले एक एक चम्मच लेना, वही मिर्ची, हल्दी, धना, गरम मसाला एक्सेट्रा, और जो होता होगा खड़े वाले नहीं पिसे वाले ले लेना, और उसको मिला लेना, ठीक है। मिलाने के बाद एक बादाम निकालना, उस मसाले का कलर देखना और बादाम का कलर देखना, पता लग जाएगा कि बादामी क्रांति मसाले के संबंध में, मसाला उत्पादन संबंध में इसलिए आई थी। तो पूरे मसालों को मिला दो तो कौन सा कलर बनता है, बादामी, ठीक है। अब डार्क नहीं बने, बहुत डार्क बनेगा वो, बादाम थोड़ी सी लाइट होती है, ठीक है, लेकिन कलर वही आएगा, ठीक है। खाकी चमड़ा, चमड़ा खाकी, जो खाकी पहनते हैं ना वो चमड़ा ही पहनते हैं, नीचे बिन चमड़े का नहीं पहनते जूता, तो जो खाकी पहनते हैं वो चमड़े का ही पहनते हैं जूता, समझ में आया क्या। तो खाकी को किससे याद रखना, चमड़ा उत्पादन से, खाकी चमड़ा उत्पादन, बादामी मसाला, गुलाबी, प्याज, झींगा, औषधि, ठीक है। सैफ्रॉन, ये नया नाम, केसर,
केसर बहुत महंगी होती है, सैफरॉन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको कहीं केसर दिखी तो हम क्या करेंगे, उसको सेव क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो हम सेव करने के लिए एकदम से ऑन हो जाएंगे। हम जैसे कहीं बैठे हुए हैं, सुस्त बैठे हुए हैं और हमको केसर पड़ी मिल गई है, हम कहीं जा रहे हैं सुस्त और हमको केसर पड़ी मिल गई, तो हम उसको सेव करने के लिए क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। सैफरॉन, तो सैफरॉन केसर सैफरॉन केसर बहुत महंगी होती है, पता है ना, तो ऐसी तो मिलने वाली नहीं, और जब मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, एकदम से उसको सेव करने के लिए ऑन हो जाएंगे, मतलब जल्दी से उठा के जेब में रखेंगे ना। हाँ, तो सैफरॉन केसर, ठीक है। फिर हरित सोना, कौन सा सोना भाई, हरित सोना, एक हरित क्रांति आई थी कृषि उत्पादन से संबंधित, यहां हरित सोना बांस उत्पादन, हरित सोना बांस उत्पादन, ठीक है। तो क्या होता है देखो, हरित सोना, क्या बोल रहा हूं मैं, हरित सोना, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्वर्णिम वगैरह शब्द आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा और अलग करता हूं। हरित को क्या करो, हरी नाम का कोई लड़का, उसको सोना बहुत पसंद है, ये वाला हरित को सोना बहुत पसंद है, तो वो लिए दिए क्या होता है, घर में सो जाता है, तो उसकी मम्मी उसको उठाने के लिए क्या उपयोग करती है, बासही बांस मारती है, जब सोता है तो क्या मारती है, बासही बांस मारती है, ठीक है, बांस होता है ना जो, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आगामी पेपरों में बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा कि जो बांस है वो क्या है, ठीक है, बांस जो है वो क्या है, ठीक है, ये पूछेगा कहीं ना कहीं, देख लेना आप, ठीक। तो बांस क्या है, ठीक, ये बताना मुझे, बांस किस कैटेगरी की चीज होती है, क्या वो घास होती है, क्या वो पौधों की श्रेणी में आती है, कि क्या है वो, ठीक, ये चीज बोल रहा हूं मैं, तो बांस क्या होता है ये बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमृत गलत हो गया अपना, अमृत जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, अमृत है जल, जल ही क्या है, जीवन है, ठीक है ना। तो जिसके पास जल अमृत को कोरिलेट कर लो, तो नदी में भी क्या होता है, जल, तो नदी जोड़ो, मतलब जल का संरक्षण कैसे करें, जितना है हमारे पास अवेलेबल, और उसको बढ़ाए कैसे, ठीक। तो जल से संबंधित है अमृत, हरित सोना क्लियर हो गया, सैफरॉन केसर हो गई, खाकी चमड़ा हो गया, बादामी मसाला हो गया, गुलाबी प्याज झींगा औषधि हो गई, ये क्लियर। आगे बढ़ो, सर्वोदय, सभी जगह उदय कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास, तो यहां पे तो सर्वोदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है, ठीक है। सभी जगह उदय सा कैसा, उगा सा, सर्वोदय सॉरी सूर्योदय, जब सूर्य उदय होता है तो मतलब एक प्रकार से हमको हर जगह सूर्योदय टाइप का करना है घर के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, उसी से होगा, तो उसको उससे कोरिलेट कर लो, सूर्योदय। अब रात को सूर्योदय तो होगा नहीं, तो हमको मानव निर्मित आइटमों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उद्योग है सभी से संबंधित है, लेकिन हम इसको कोरिलेट करने के लिए, याद करने के लिए ऐसा मैं बोल रहा था, ठीक। आओ, सदाबहार समझते हैं शब्द, सदाबहार, ठीक। कृषि का समग्र विकास, देखो कृषि का सदाबहार विकास होता रहे, एक लाइन याद रखो, कृषि का सदाबहार क्या होता रहे, विकास। अभी देखे होगे जब मैंने हरित क्रांति पढ़ाया था, तब वहां पर हरित क्रांति आई थी, तो रासायनिक बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, तो वो सदाबहार नहीं थी। सदाबहार यदि कृषि का विकास होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैविक कृषि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जैविक कृषि, ठीक है। जैविक कृषि पता होगी आप लोगों को, ठीक, मतलब उन सभी का प्रयोग ना करके, समझ में आ रहा है, जैविक कृषि करना, ठीक, रासायनिक संघट को जितनी भी चीज होती है उनका प्रयोग ना करके एक जैविक, ठीक। तो जैविक कृषि से संबंधित है सदाबहार, क्यों है, कैसा है, बताया मैंने, तो सदाबहार कृषि का समग्र विकास कैसे होगा, तब हम जैविक कृषि करेंगे, तो जैविक कृषि संबंधित सदाबहार। फिर कौन सी, इंद्रधनुषीय, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि, इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। अब इंद्रधनुष कहां निकलता, देखोगे आसमान में, देखोगे कोई भी एरिया से खड़े होके, किसी भी क्षेत्र से खड़े होके देख लो, आपको इंद्रधनुष दिखेगा जहां से भी हुआ है। तो उसको वैसा याद रखो कि इंद्रधनुष सभी क्षेत्रों से क्या होता है, दिखता है। हम पढ़ ही रहे हैं पूरे क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तो पढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांति आई है, तो सभी क्षेत्रों से खड़े होकर दिखता है इंद्रधनुष, तो सभी क्षेत्रों के लिए क्या है, इंद्रधनुषी, सभी क्षेत्रों में उत्पादन के संबंध में क्या है, इंद्रधनुषी, क्लियर है। फिर एक और क्रांति है, ये तीन की मिलाकर एक है, केसर ऊर्जा क्रांति, ये केसर नहीं है, ये वाली अलग पिक्चर है, ये अलग है। तो केसर ऊर्जा क्रांति किससे संबंधित है, जो सौर ऊर्जा के
सौर ऊर्जा जो होती है ना उसका क्या करना, बेहतर प्रयोग और उसको प्रोत्साहन करने के लिए क्रांति लेके आएगी। कौन सी? केसर ऊर्जा क्रांति। कौन सी क्रांति? केसर ऊर्जा क्रांति। केसर ऊर्जा क्रांति सौर ऊर्जा के बेहतर प्रयोग, कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रयोग किया जा सकता है और उसके प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु केसर ऊर्जा क्रांति। कौन सी आई? केसर ऊर्जा क्रांति। तो ये केसर के लिए आई, सैफ्रॉन अलग है, केसर ऊर्जा क्रांति नाम ही है जो किसके संबंध में आई है, सौर ऊर्जा के बेहतर प्रयोग व प्रोत्साहन हेतु। क्लियर है? श्वेत क्रांति आपको पता, नीली क्रांति आपको पता है, श्वेत क्रांति पता, नीली क्रांति पता है, इन तीनों को प्लस करके एक क्रांति बनाई गई, उसको क्या कहा गया? तिरंगा क्रांति। क्या कहा गया? तिरंगा क्रांति। और इसमें एक इंक्लूडेड चीज और बात कर ले हम, ये तीन के साथ एक और प्लस कर ले तो जो दूसरी हरित क्रांति आई थी उसको भी हम यहां ऐड कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो अंधाधुंध वहां पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था उसके बाद ये सलाह दी गई कि समग्र कृषि का विकास हो और जैविक कृषि के साथ आगे बढ़े, तो ये उससे रिलेटेड है तिरंगा क्रांति। क्या क्लियर हो गए हम यहां तक के? एक बार फिर से कि पूरा की पूरा रिकॉल करें, रिवाइज करें, ठीक, और अपने आसपास किसी से भी बोले यार हमसे पूछो तो ये क्या करें, रिविजन करते रहे हर चीजों का जितना भी पढ़ते जा रहे हैं हम, उससे क्या होगा आपके माइंड में फिक्स्ड हो जाएगी चीजें। तो जैसे एग्जाम हॉल में हमारे सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कहीं मेरी लाइन याद आ सकती है, कहीं आपकी रिवाइज किए हुए टाइम की कुछ चीजें याद आ सकती है। तो क्या रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी से पढ़ना बहुत जरूरी रहता है किसी भी चीज को माइंड में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। तो यहां तक के था ये हमारा इसकी कहानी, अब हम आगे के चैप्टरों पे बात करेंगे इसके बाद, ठीक है? तो यहां तक के लिए ये कार्यक्रम था हमारा। और एक सदाबहार क्रांति आई थी जो यहां पर, ये इस पे गुलाबी क्रांति मेनली, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति, इतनी क्रांतियां मेन हिस्सा थी सदाबहार क्रांति में। यहां लिखा है कृषि का समग्र विकास, जैविक कृषि, तो इन क्रांतियों को मिलाकर सदाबहार क्रांति जो है उसको समेकित किया गया था। मतलब एक जो सदाबहार क्रांति इसको कैसे बनाया गया, तो ये पहले से जो चल रही थी उन्हीं को मिलाकर एक और दिशा में काम किया गया था। मैंने यार इतना पढ़ा दिया वो क्यों छोड़ू, इसलिए मैंने कहा वो भी बता ही देता हूं, ठीक है? तो यहां आके मैंने पूरी की पूरी क्रांतियां कंप्लीट कर दी हैं। कैसा लगा कमेंट जरूर से जरूर करके बताया करें आप लोग, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है मैंने बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।